हेलो मेरे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद इस वीडियो को लाया हूं। तो बहुत सारे क्रिएटर का सवाल आता है कि क्या हमारा यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए या सर्चेबल यूनिक होना चाहिए। मतलब यूट्यूब चैनल का नाम कितना इम्पोर्टेंट है, सीधा सवाल आप समझ लीजिए कि यदि आप एक यूट्यूब चैनल या क्रिएटर हैं तो आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करते समय आपको हमेशा कन्फ्यूज बना रहता है कि आप मेरे चैनल का नाम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस कंफ्यूजन को मैं अच्छी तरीके से दूर करने वाला हूं। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आप YouTube चैनल स्टार्ट किए हैं तो आपको हमेशा कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि हम अपने चैनल को नाम कैसे रखें। आप क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं उनके नाम के सजेशन में अपना नाम ऐड कर देते हैं, जिससे आपका चैनल जल्दी ग्रो नहीं करता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप जब भी यूट्यूब चैनल बनाए तो एक यूनिक नाम रखें। तो चलिए मैं बता देता हूँ यूनिक आप कैसे नाम रख सकते हैं। तो आपको मैं बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाला हूँ आप यूनिक नाम, जैसे कि आप यूनिक नाम रखना चाहते हैं अपने चैनल के लिए तो आपको क्रोम में आना होगा। और जैसे ही क्रोम में आएंगे और इसमें सर्च करेंगे, जैसे ही सर्च करेंगे chatgpt.com, यहाँ पे chatgpt से आप सहारा ले सकते हैं। यदि आप यूट्यूब चैनल का नाम रखने में परेशानी होता है तो इसमें लिखेंगे जो भी आपका चैनल का नाम है, मतलब किस कैटेगरी से आप वीडियो बनाना चाहते हैं, टेक्स्ट बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, फनी बनाते हैं, कॉमेडी बनाते हैं, मतलब जो भी, मतलब जितने भी चैनल का कैटेगरी है आप बनाते हैं, गेमिंग से बनाते हैं, तो इसमें लिखेंगे। चलिए मैं टेक्स्ट बनाता हूँ वीडियो, तो इसमें लिखूँगा, इसको प्रॉम्प्ट दूँगा कि हमको टेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, चैनल का नाम सजेशन में डालें। टेक, इसमें लिखेंगे टेक चैनल नेम आइडिया, ठीक है। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो इसको आप प्रॉम्प्ट दे देगा। देख सकते हैं आपको यहाँ पे हर यूज सेम टेक चैनल आइडिया फॉर इंस्पायरेंट। तो बहुत सारा टेक चैनल के नाम, टेक पल्से, टेक गुरुजी पाई, डिजिटल टेक्सन शॉर्टकट, मतलब अलग अलग आप जैसे ही नाम डालेंगे टेक ट्रेक्स, इसमें अलग अलग तरीका से आपको जितना बार डालेंगे उतना बार आपको रिफ्रेश होके आ जाएगा। ये अपने अकॉर्डिंग आपको 15 दिया है, लेकिन इसमें से आपको यदि पसंद पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो अपना खुद का नाम ऐड कर सकते हैं। इसमें एक तो ये आइडिया हो गया। अब दूसरा आइडिया यूट्यूब को ओपन करना होगा। जैसे ही आप यूट्यूब को ओपन करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आपका यह नाम है तो यहाँ पे आपको यूनिक नाम डालना होगा। एडिट पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट में नाम है। उसके बाद फर्स्ट में नाम आप जो भी नाम डालेंगे, तो चलिए मेरा नाम है, जो भी नाम है हमारे चैनल का आपके सामने है। उसके बाद यहाँ पे हैंडल डालेंगे, उसके बाद URL अपने आप आ जाता है। जब ये नेम डालेंगे, URL हैंडल डालेंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं बता दिया कि आपको नाम को सजेशन कैसे करना है। आपको नाम का सजेशन तो क्लियर हो गया, लेकिन ये यूट्यूब के चैनल के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे कि देख पा, मैं आपको असली क्रिएटर बताता हूँ कि यदि आप यूट्यूब का चैनल का नाम रखना चाहते हैं तो कोई बड़े क्रिएटर का नाम से मिलता जुलता न रखें, क्योंकि जो भी ऑडियंस सुन के वीडियो को वॉच करता है उसके बाद जैसे ही आपका नाम मिलता जुलता जाएगा तो उस वीडियो को क्लिक करेगा, लेकिन उस वीडियो के नाम और उनका फेस के वजह से आपका वीडियो जो भी व्यूअर खोलेगा उस वीडियो को छोड़ के चला जाएगा, जिससे आपका ऑडियो रिडक्शन गिर जाता है। तो अपने वीडियो को वायरल कराने के लिए एक व्यूअर को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उनका ऑडियो रिडक्शन। यदि आपके वीडियो पर ऑडियो रिडक्शन कम है तो आपका वीडियो वायरल नहीं होगा। तो एक यूट्यूब चैनल बनाते समय अपना यूनिक नाम सबसे ज़्यादा हो, सर्च में आ जाए, जो सर्च आप नाम बनाएं वो सर्च में आ जाए, उससे यूनिक कोई दूसरा नाम नहीं होना चाहिए। एक दो रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन एक बार दो चार हज़ार, 3,000 या 1,000 या 500 रहना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपका जो भी चैनल है सर्च में आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो एक यूनिक नाम रखें और अपने चैनल स्टार्ट करके, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके आप चला सकते हैं। तो अपने वीडियो के माध्यम से मैं यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता था आपको कि अपने चैनल का यूनिक नाम कैसे रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं उस कमेंट बॉक्स पढ़कर मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उस पर एक वीडियो ला दूं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन लगा। फिर नए स्टेप के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।